हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है चाय पीने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज से 200 साल पहले ना तो चाय किसी के घर बनती थी, ना ही कोई चाय के बारे में जानता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर चाय की खेती शुरू की और तब से हमारे देश में चाय काफ़ी फेमस हो गई। आज आप किसी के भी घर जाते हैं तो आपका स्वागत चाय से ही किया जाता है। चाय हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। चाय में पाए जाने वाला कैफीन नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर की थकान दूर होती है, जिससे हम फ्रेश फील करते हैं। लेकिन ये ताजगी कुछ समय तक ही रह पाती है। जैसे जैसे इंसान का एनर्जी लेवल कम होने लगता है, वो एक कप चाय और पी लेता है। ऐसा करते करते ना जाने हम एक दिन में कितनी चाय पी लेते हैं। नशा तो नशा होता है, चाहे वो चाय का हो चाहे शराब का। आइए देखते हैं वो कौन से 5 नुकसान हैं जो चाय पीने से हमारे शरीर में होते हैं। नंबर 1 है भूख कम लगना। ज़्यादा चाय पीने से हमें भूख कम लगती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, जब लोग वेट लॉस करते हैं वो चाय का सहारा लेते हैं, जिसके कारण भूख कम लगती है। लेकिन रिजल्ट ये होता है कि एसिडिटी और गैस के कारण हालत और भी खराब हो जाती है। नंबर 2, ज़्यादा चाय पीने से हमारे दिल पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हाई बीपी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, ज़्यादा चाय पीने से हमें नींद भी कम आती है। लोग अपना काम ख़त्म करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए, जबकि ऐसा करने से उनको मानसिक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है और नींद कम होने के कारण लोगों में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। नंबर 4, ज़्यादा चाय पीने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द जैसी प्रॉब्लम लोगों को परेशान करने लगती है। नंबर 5, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा रहता है। इससे पेट की अंदरूनी सतह में जख्म हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। देखा आपने चाय पीने के कितने नुकसान होते हैं। अगर आपको चाय पीना ही है तो आप एक दिन में 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं, या फिर आप अपनी चाय को हर्बल टी या ग्रीन टी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।